दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रेन का इंजन कितने सीसी का होता है और इसमें कितने सिलेंडर्स मौजूद होते हैं? तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। दरअसल ट्रेन में लोकोमोटिव बहुत भारी मशीनरी होती है और इसे ट्रेन की कई बोगी खींचनी होती है। सामान्य तौर पर एक डीजल लोकोमोटिव में 16 सिलेंडर्स होते हैं। एक सिलेंडर में 150 लीटर के आसपास डीजल इस्तेमाल होता है। ट्रेन के डीजल फ्यूल टैंक में 50,000 लीटर तक तेल आ सकता है और साथ में एक सिलेंडर की क्षमता 10,941 सीसी की होती है। तो 16 सिलेंडर्स का देखें तो करीब 1.75 लाख सीसी का एक डीजल इंजन होता है, जो कि लगभग होंडा सिटी कार की तुलना में देखें तो 116 कार के बराबर होता है, क्योंकि इस कार का इंजन 1498 सीसी का होता है।